पिस्ता खाने के बाद जो पिस्ता के छिलके होते हैं वो सब हम सब फेंक देते हैं उसे ऐसा हम करते आए हैं लेकिन आज मैं आपको पिस्ता नहीं यानी पिस्ता के छिलके के फ़ायदे बताने वाली हूँ जिसे सुनकर और ये रेमेडी देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे और इसके रिजल्ट्स तो मतलब आप इसे ट्राई करिए आपको खुद ही पता चल जाएगा हेलो नमस्ते वेलकम टू माय चैनल केयर स्टाइल्स ले इस चैनल पर आपको फैशन मेकअप स्किन केयर हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही आसान है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अभी के अभी कर दीजिए बाद में भूल जाएंगे आप लोग मैंने आपसे बोला था कि पिस्ता हम सब खाते हैं लेकिन पिस्ता के छिलके हम सब फेंक देते हैं लेकिन वो कूड़ा नहीं है वो एक गारबेज का काम नहीं करता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है मुझे पता है कि ये वीडियो देखते वक्त आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई ऐसा तो कुछ नहीं होता है लेकिन ऐसा है और ये फैक्ट है कि पिस्ता के छिलके में बहुत कुछ पाया जाता है जैसे अब तक हम केला खाते थे और केला के छिलके हम फेंक देते थे लेकिन उसके फायदे हमने जाने हैं ऐसे ही जो है पिस्ता के छिलके भी बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं पिस्ता का जो शेल होता है ना वो आपके ओपन पोर्स को ठीक करता है आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकता है आपके फाइन लाइंस को रिमूव करता है रिंकल्स को हटाता है साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लास स्किन में कन्वर्ट करता है सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपके स्किन कलर को ग्रेजुअली ठीक करता है मैं कह रही हूँ ग्रेजुअली यानी एक बार में दो बार में फर्क नहीं पता चलेगा लेकिन आप अगर कंटिन्यूस इसे यूज करते रहेंगे तो विदिन अ मंथ आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा पहले ही बता दे रही हूँ आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए अगर आपके पास पिस्ता अगर आप खाते हैं तो पिस्ता के छिलके होंगे तो उसे ज़रूर यूज़ करिए जैसा मैं अभी आगे बताने वाली हूँ लेकिन आप इसे ट्राई करिए क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है और इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको इसके लिए क्या चाहिए आपको इसके पिस्ता के शेल चाहिए यानी पिस्ता आप खा लीजिए और जो उसका छिलका है उसे आप स्टोर करके रख लीजिए आपको यहाँ पर पंद्रह से बीस पिस्ते के छिलके चाहिए क्योंकि ये सॉल्टेड पिस्ता है यानी इसमें ऊपर नमक लगा हुआ है तो सबसे पहले हम इस नमक को रिमूव करेंगे जिसके लिए आपको क्या करना है एक बोल लेना है उसमें आपको ये पिस्ता के छिलके डालने हैं उसमें पानी जो है फिल करना है उसके बाद उसे साइड में रख देना है कुछ टाइम के लिए यानी पंद्रह से बीस मिनट आप रखेंगे उसके बाद इसका जो भी नमक होगा वो उस पानी में आ जाएगा घुल जाएगा उसके बाद आप इसे एक तो पानी से और धो लीजिए इसे साफ़ कर लीजिए उसके बाद ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो अब आपको आगे क्या करना है आपको एक पैन लेना है या एक बोल लेना है उसमें आपको जो है एक से दो ग्लास के अराउंड पानी डालना है तो आप एक ग्लास पानी ले रहे हैं तो आप पिस्ते के छिलके थोड़े कम कर लीजिएगा और अगर आप दो ग्लास पानी ले रहे हैं तो जितना मैंने आपको पंद्रह से बीस क्वांटिटी बताई है उतना इनफ़ होगा तो आप यहाँ पर जो है पानी को डाल दीजिए उसके बाद उसमें जो पिस्ते के छिलके हमने साफ़ किए थे धुलकर वो उसमें डाल दीजिए उसके बाद इसे बॉयल होने दीजिए थोड़ी देर के लिए जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है इसको ढक देना है किसी भी प्लेट से इसे ढक दीजिए और इसे रहने दीजिए इसे अच्छे से बॉयल होने दीजिए आपको इसे तब तक बॉयल करना है जब तक एक गिलास पानी आधे ग्लास में कन्वर्ट ना हो जाए यानी आपको इसे आधा करना है इसे अच्छे से पकाना है तो इसलिए प्लेट से मैंने ढका है इसे ताकि इसे अच्छे से बॉयल हो जाए और जल्दी बॉयल हो जाए तो बॉयल हो जाएगा तो आपको इसे ठंडा होने के लिए रहने देना है थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है उसमें इस पानी को अच्छे से फिल कर लेना है शेल्स जो हैं वो हटा देने हैं पानी को स्ट्रेन करके इसमें डाल देना है आपको स्प्रे बॉटल में डाल देना है उसके बाद ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है बस इतना ही करना था आपको सिंपल सा तरीका है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं क्योंकि मैंने ये रेमेडी खुद ट्राई की है और इसके बहुत ही अच्छे डिफरेंस देखने को मिले हैं आपके ओपन पोर्स पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन ब्राइट और क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगी अब आपको इसे यूज़ कैसे करना है सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आप सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या फिर आप एलोवेरा जेल का यूज़ करते हैं या फिर आप कोई भी कोल्ड क्रीम का यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मस्ट हैं आप अप्लाई कर लीजिए उसके बाद आपको सिंपल ये जो हमने पानी स्प्रे बॉटल में फिल किया है इसे आपको स्प्रे कर लेना है अपने पूरे फेस पर उसके बाद आपको इसे कोई मसाज नहीं करनी कुछ नहीं करना इसे सिंपली रहने देना है अपनी स्किन पर ये थोड़ी देर बाद अपने आप ड्राई हो जाएगा और धीरे धीरे करके अगर आप डेली इस काम को करेंगे तो आपकी स्किन इन अ वीक आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो आप इस रेमेडी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए क्योंकि मैंने इसे खुद ट्राई किया है इसलिए मैं आपसे इसे शेयर कर रही हूँ आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं है क्योंकि पिस्ता तो आप खा ही लेते हैं और छिलके आप उसे फेंक ही देते हैं तो फेंकने से अच्छा है कि एक बार आप इसकी ये रेमेडी बना लीजिए और ट्राई करके देख लीजिए क्योंकि अगर एक बार आप इसे यूज़ करेंगे ना तो दोबारा आप इसे फेंकेंगे तो नहीं अब इस रेमेडी को यूज़ करने का तरीका तो बता दिया लेकिन कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है कोई भी इसे यूज़ कर सकता है किसी भी एज ग्रुप का हो चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे वो मिडिल एज हो कोई भी हो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है कितनी भी एज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ही आसान सी रेमेडी है सब पर काम करती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं तो आई होप आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके रिजल्ट्स भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि रिज़ल्ट शेयर करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि रेमेडी वर्क कर रही है या नहीं तो ज़रूर इसके रिज़ल्ट शेयर करिएगा साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू नमस्ते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा